नमस्कार साथियों, मैं श्याम कुमार। तो आज का वीडियो जानेंगे कि आप लोग को जो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे देख सकते हैं स्तनपान कराने वाली माताएं, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्तनपान कराने वाली माताएं, और इस साइड से आप लोग को दिख रहा होगा जो बच्चे हैं 0 महीना से 6 महीना। तो इसमें आप लोग को तो यहाँ पे स्तनपान कराने वाली माताएं में भी तो 0 से 6 महीना का ही तो स्तनपान की पान वाले माताएं बोला जाता है। तो आप लोग को इसमें कैसे आपको डालनी है, तो यहाँ पे तो आप लोग को यहाँ पे स्तनपान कराने वाली माताएं जो है ये, और यहाँ पे 0 से 6 महीना, तो ये दोनों तो मतलब सेम ही होता है। जैसे मैं मान लिए कि हम लोग स्तनपान वाले महिला को क्या कहते हैं, जो 0 माह से 6 माह के बच्चे होंगे उनको जो स्तनपान कराने वाली माता है उनको बोला जाता है। और इसको इसमें दो दो फाइल दिया गया है, एक स्तनपान कराने वाली महिला और इस तरह से आप लोग को दिया जा रहा है 0 से 6 माह। तो इन दोनों में से आपको किस टाइप से आपको दोनों को फिलअप करनी है, तो आज इसी के बारे में आप लोग को वीडियो बताएंगे कि स्तनपान कराने वाली माताएं और 0 से 6 महीना के बच्चे, मतलब दोनों तो सेम ही हुआ लेकिन अलग अलग किस प्रकार से हम डालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे जो आप लोग का जो पोषण ट्रैक होगा, आपको पोषण ट्रैक पर इस तरह से आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा पोषण ट्रैक को, तो इस तरह से आप लोग को पेज खुल के आ जाएगी। और खुलने के बाद आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद आप लोग को 4 अंकों का जो पासवर्ड होगा आप लोग का, एम पिन जो आप लोग का होगा, वो एम पिन डाल लेना है। तो चलिए हम इसको डाल लेते हैं। में दिया गया है आप लोग को एम पिन, तो आप लोग को एम पिन डाल लेनी है। तो चलिए एम पिन हम डाल लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग को फाइल खुल के आ जाएगी, आप लोग को दिख रहा होगा कि इस तरह से आप लोग को फाइल खुल के आ जाएगी, जिसमें से आप लोग को यहाँ पे हम लोग आज बात करने वाले हैं स्तनपान कराने वाले माताएं, और इधर जो दिखा रहे हैं आप लोग को 0 महीना से 6 महीना के बच्चे। तो इन दोनों में आप लोग को कैसे डालनी है, तो यहाँ पे तो स्तनपान कराने वाली महिला जो 0 महीना से 6 महीना होता है वो भी महिला को ही हम लोग बोलते हैं स्तनपान कराने वाली महिला, और यहाँ पे बच्चे भी दिया गया है 0 माह से 6 महीना। तो चलिए हम सबसे पहले आपको हम यहाँ बताते हैं कि स्तनपान कराने वाली माताएं को किस प्रकार से फिलअप करेंगे, उसके बाद आप लोग को 0 माह से 6 महीना को किस प्रकार से हमने फिलअप किया। तो चलिए हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि स्तनपान कराने वाली माताएं को हम फिलअप कर लेते हैं, और यहाँ पे इस तरह से हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे दिया जा रहा है लाभार्थी जोड़े, तो आप लोग को तो सबसे पहले ही बता चुके हैं और भी वीडियो में कि किस प्रकार से आपको जोड़ना है। तो चलिए फटाफट आप लोग जोड़ लीजिए। तो चलिए यहाँ पे हमने जो नया लाभार्थी पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप लोग को लाभार्थी जोड़े आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आप लोग को लाभार्थी का नाम लिखना है, जो महिला होगी स्तनपान कराने वाली माताएं उसका आपको यहाँ पे नाम लिख लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं काजल कुमारी, इस तरह से हमने नाम लिख लिया। और उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है पति का नाम, तो इसका पति का नाम आप लोग को लिख लेना है, मोनू कुमार। तो इस तरह से हमने इनका पति का नाम लिख लिया। और उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे जन्म की तारीख, तो आप लोग को क्या करना है कि जन्म का तारीख आप लोग को दे लेना है। तो किनका देना है, जो लाभार्थी होंगे उनका जन्म का तारीख डालना है, ना कि आप लोग को जो बच्चे होंगे उनका नहीं डालना है। यहाँ पे आपको क्या किसका डालना है, जो स्तनपान कराने वाले माता होगा उनका आपको जन्म तिथि डालना है। अगर डेट मंथ और ईयर आप लोग को पता होगा तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पे साल में आप लोग को लिख लेना है, जितना साल के होंगे तो इस तरह से आप लोग को साल लिख लेनी है। लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पे दिया जा रहा है मोबाइल नंबर, जो लाभार्थी होंगे उनका मोबाइल नंबर आप लोग को यहाँ पे डाल लेनी है। तो चलिए हम इसका मोबाइल नंबर हमने डाल लिया। इस तरह से डालने के बाद आप लोग को यहाँ पे दिया जा रहा है डिलीवरी की तारीख, तो आप लोग को यहाँ पे दिया जा रहा है डिलीवरी की तारीख, जिस दिन शिशु जन्म लिया था उनका डिलीवरी का डेट डाल लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे शिशु का यहाँ पे जो जन्म का तारीख है वो हम डाल लेते हैं, जो 9/9/2020 इस तरह से डिलीवरी डेट था। और उसके बाद आप लोग को नीचे में पूछा जा रहा है शिशु लिंक, इस तरह से जो आप लोग को शिशु लिंक पूछा जा रहा है, तो वो जो शिशु जन्म लिया है वो महिला है या पुरुष है, तो या आप लोग इस तरह से आप लोग मेल फीमेल डाल सकते हैं। तो चलिए ये शिशु जन्म लिया था लड़का और इसको हमने मेल पर डाल दिया। डालने के बाद आप लोग को यहाँ पे सबमिट कर लेना है,
जैसे ही आप लोग सबमिट कीजिएगा तो आप लोग को इस तरह से जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया और इस तरह से आपको दिखाएगी और बैक होके इस तरह से आप लोग को दिखा देगी। तो इसमें आप लोग को स्तनपान कराने वाला भी मताया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप लोग पहले से भी रजिस्टर्ड कर चुके हैं। आप आते हैं, आप लोग को जो 0 माह से जो 6 माह के बच्चे होंगे उनको किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे और क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को कि यहाँ पे तो स्तनपान कराने वाले माताएं को तो हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो इसी तरह से आप लोग पहले इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे जो आप बैक हो जाइए, बैक होने के बाद आप लोग को यहाँ पे दिया जा रहा है बच्चे जो 0 महीना से 6 महीना के जो बच्चे होंगे, तो इस तरह से आप लोग दिख रहे होंगे यहाँ पे 0 माह से 6 महीना के जो बच्चे होंगे इस पे आप लोग को क्या करना है कि क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को इस तरह से पेज खुल के आ जाएगी और आने के बाद आप लोग को क्या करना है कि 0 माह से 6 महीने के बच्चे के जो सूची है आप लोग को यहाँ पे अगर नहीं होगा, अगर मान लीजिए फर्स्ट आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पे एक भी बच्चा नहीं होगा और यहाँ पे ये नया आईडी है और इसमें आप लोग को क्या करना है कि लाभार्थी जोड़े इस पे आप लोग को क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से पेज खुल के आएगी, आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको लाभार्थी का नाम, उसका जन्म तारीख और जन्म का साल यहाँ पे इस तरह से आप लोग दे सकते हैं और यहाँ पे क्या लिंक है उस तरह से आप लोग, चलिए हम इसको दिखाते हैं कि किस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि बच्चे, तो बच्चे 0 महीना से 6 महीना के जो बच्चे होंगे तो आप लोग उसका नाम डाल लीजिए आयुष, इस तरह से हमने बच्चे का नाम डाल लिया जो लाभार्थी है वो बच्चे का हमको नाम डाल लेना है जो जिसने हम अभी हम आपको स्तनपान कराने वाले मताए हैं इनमें आप लोग को रजिस्ट्रेशन किए हैं उसमें उन बच्चे का नाम हो गया आपको आर्यन। तो इसमें हमने जो स्तनपान कराने वाले मताए को जो हमने रजिस्ट्रेशन किया और जो जन्म लिया 9/9/2020 को जो जन्म लिया वही बच्चा का नाम हमने यहाँ पे डाला है और डालने के बाद आप लोग को यहाँ पे फिर से जन्म का तारीख डालना है जो हमने यहाँ पे 9/9/2020 इस तरह से हमने उसका जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनका बच्चों का बच्चे का शिशु का जन्म का डेट हमने यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद आप लोग को यहाँ पे लिंक पूछा जा रहा है जो बच्चे का जो लिंक है मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, तो आप लोग को इस तरह से आप लोग को क्लिक कर लेना है। चलिए तो ये तो हमने मेल डाला था तो इस तरह से आप लोग को 0 महीना से 6 महीना में रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पे पिता का नाम डालना है, तो चलिए हमने उसका पिता का नाम डाला था मोनू, इस तरह से हमने इसका पिता का नाम डाल दिया। और डालने के बाद आप लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है माता का नाम, स्तनपान कराने वाली महिला को जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसमें आप लोग को माता का नाम क्या डाले थे, काजल। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से काजल, इस तरह से हमने काजल काजल कुमारी डाले थे हम स्तनपान कराने वाली माता को, तो स्तनपान कराने वाली माता को काजल हमने यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर हमने डाला था वहाँ वो मोबाइल नंबर आप लोग को इस तरह से डाल देनी है। जैसे ही डालिएगा उसके बाद आप लोग को नीचे में पूछा जा रहा है कि बच्चे के जन्म समय का वजन कितना किलो का था, तो इस तरह से आप लोग को वजन डाल लेनी है। तो चलिए ये 3, 4, 5 जो भी हो 3 kg मान लिए हम। उसके बाद आप लोग को इसके बाद हाइट या बर्थ हाइट यूनिट इस तरह से आप लोग को पूछा जा रहा है जो इंच या सेंटीमीटर में दे सकते हैं जवाब, जिसमें से आप लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है बर्थ हाइट ऑफ द चाइल्ड, बर्थ मतलब जिस दिन बच्चा जो जन्म लिया था उसका हाइट कितना था, जैसे में 12 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे डाल लेते हैं 13 सेंटीमीटर, इस तरह से हमने डाल लिया। डालने के बाद आप लोग को क्या करना है कि नीचे में दिया गया सबमिट, आप लोग को क्या करनी है यहाँ पे सबमिट बटन पे आप लोग को क्लिक कर लेनी है। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपको रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया और इस तरह से आप लोग को रिकॉर्ड बना दिया जाएगा और इस तरह से आप लोग को 0 माह से 6 महीना के बच्चे का सूची अपलोड हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग को क्या करनी है कि स्तनपान कराने वाली माता, जो स्तनपान कराने वाली माता होंगे वो 0 से 6 महीना के बीच में गिनती होता है, तो वो जो माता होंगे उनका जो बच्चा जन्म लिया होगा वो बच्चा को आपको क्या हाँ डालना है 0 माह से 6 महीना के बीच में बच्चे को जो बच्चे हैं उन सूची में आप लोग को जोड़ना है। तो इसी प्रकार से आप लोग क्या करना होगा कि आप लोग को 0 माह से जो 6 माह के बच्चे होंगे, जो स्तनपान कराने वाले माता होंगे उसमें का जो बच्चा आप लोग को जन्म लिया होगा आपको वही बच्चा को आपको कहाँ डालना है यहाँ पे 0 माह से 6 महीना के बीच में। इसमें आप लोग गलती नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप लोग को यहाँ पे जितना स्तनपान कराने वाली माता होंगे उतना ही आप लोग को क्या होंगे 0 माह से 6 महीना के बच्चे होंगे। तो
तो आप लोग को ध्यान में रखनी होगी, तो इसमें आप लोग को गलती नहीं चलेगी। आप मान लिए कि आप 0 माह से 6 महीना में आप लोग 12 को डाल लिए और इसमें स्तनपान कराने मताए में आप 10 डालें, तो इसमें आप लोग पोषण ट्रैक में आप लोग पकड़ा जाइएगा कि हाँ ये डाटा जो आप लोग डाल रहे हैं ये गलत डाल रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग को क्या करना है कि स्तनपान कराने वाली माता है जितना भी है, आप मान लीजिए कि स्तनपान कराने वाली माता 12 को अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग को 0 माह से 6 महीना के भी बच्चे को आपको 12 को डालना होगा। तो इसी तरह से आप लोग को सही से डालना होगा, और जितना आप लोग स्तनपान कराने वाली माता को डालना होगा उतना ही आप लोग को 0 से 6 महीना का बच्चा को भी डालना होगा। तो इसी तरह से आप लोग गलती मत कीजिएगा, और इसी तरह से आप लोग जो भी डाटा होगा आप लोग सही सही डालिएगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो थैंक यू हमारे YouTube में बने रहने के लिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, जो आप लोग के जो भी आंगनबाड़ी सेविका होंगे उसको अगर नहीं आता होगा तो आप लोग वहां शेयर कीजिएगा, तो आप लोग उनका कोई हेल्प हो जाएगी, आपके वजह से ये वीडियो वो देखेगी, या देखने के बाद आप लोग को क्या करेगी कि वो जो है देखेगी उसको ज्ञान कुछ हो जाएगा आप लोग के वजह से। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो थैंक यू हमारे वीडियो में बने रहने के लिए, धन्यवाद, बाय, हेलो।